आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पाकिस्तान के इस घटनाक्रम की भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह गोंगेवाल ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों को दबाया जा रहा है और इस कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील की है कि मोहम्मद एहसान जैसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिरसा ने कहा कि सिख यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह गुरुद्वारा साहिब पर हमला किया जाए। वे मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखवीर बादल ने ट्वीट कर कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर भीड़ का हमला घृणित कार्य है। शनिवार को भीड़ को उकसाने वाले मोहम्मद हसन का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें वो खुलेआम धमकी दे रहा है और कह रहा है कि वह गुरुद्वारा तोड़कर वहां मस्जिद बना देगा। वहीं सिख समाज के लोग और डर गए हैं। उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में यह ऐसा है और हमले हो सकते हैं। अगर किसी भी चीज नबी नबी होई इना काटा वादा कीता, मैं मुसलमान होन दे नाते मैं आज वादा कर लवा मर जावांगा सिख। ननकाने दा नाम बदल गया सी, ननकाने दा नाम बदल गया सी, गुलामा ने मुस्तफा शहर बदल। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले के बाद भारत में जबरदस्त गुस्सा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और इमरान खान सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पूरे मामले की जड़ में सिख लड़की को बंदूक के दम पर अगवा करने और उसका धर्म परिवर्तन करना है। यही रहने वाले मोहम्मद हसन ने पिछले साल ग्रंथी ज्ञानी भगवान सिंह की बेटी जगजीत कौर का अपहरण कर उसका धर्मांतरण और जबरन निकाह करवा दिया था। जगजीत कौर का नाम भी बदलकर आयशा कर दिया गया। सिख समुदाय के लोगों ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पुलिस ने 3 सितंबर 2019 को लड़की को छुड़ाकर उसके परिवार के हवाले कर दिया था। इसके बाद से सिख समुदाय के खिलाफ मुसलमानों में गुस्सा था जो शुक्रवार को फूट पड़ा। पाकिस्तान के जो ननकाना साहिब के गुरुद्वारे के ऊपर अभी हमला किया गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने जगजीत को अगवा किया था इसे 3 महीने पहले। और क्योंकि अब कोर्ट में केस था जगजीत के मां बाप की तरफ से, इसलिए ये आहत हैं कि हमसे बेटी क्यों वापस मांगी जा रही है। वहां पे गुरुद्वारे पे पथराव किया गया और यहां तक नारे लगाए गए कि पाकिस्तान से सिखों को बाहर निकालो, ननकाना से सिखों को बाहर निकालेंगे, इंशाल्लाह हम कसम खाते हैं खुदा की इन सिखों को यहां रहने नहीं देंगे, ननकाने का नाम बदल देंगे और ननकाने का नाम बदलकर अपने जो उनका कोई नाम बताया हजूर उसके नाम से रखेंगे। ये जो वहां का घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है। विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। मैं धन्यवाद करता हूं फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जयशंकरन जी का जिन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं ये कभी भी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। औरंगजेब की औलाद है जो आदमी किसी दूसरे धर्म के ऊपर हमला करता है, किसी दूसरे धार्मिक स्थान के ऊपर हमला करता है, वो कभी धर्म का पक्का नहीं, कभी मुसलमान अपने ईमान का पक्का नहीं हो सकता। वो यकीनी तौर पर औरंगजेब की औलाद है और ये औरंगजेब की औलादों ने हमला किया है। ये जो उन्होंने हमें चैलेंज किया है हम भी उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं। हमें वो कमजोर मत समझे। पाकिस्तान में हम जरूर कम गिनती में हो सकते हैं पर दुनिया में हमारा भी बोलबाला। बच्चों की मौत के मामले को हल्के में लेने के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चौतरफा विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान दिया कि बच्चों की मौत का यह आंकड़ा 5 साल में सबसे कम है और भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। इस बीच मायावती ने अशोक गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा राजस्थान की कांग्रेसी सरकार के सीएम अशोक गहलोत का कोटा में मासूम बच्चों की हुई मौत पर अपनी
कमियों को छिपाने के लिए दिया गया राजनीतिक बयान शर्मनाक है। ऐसे में कांग्रेस का लगभग 100 माओं की कोख उजड़ जाने पर केवल अपनी नाराजगी जताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको तुरंत बर्खास्त करके वहां अपने सही व्यक्ति को सत्ता में बैठाना चाहिए। मायावती ने इस मसले पर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा को भी नौटंकीबाज बताया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बच्चों की मौत को लेकर न केवल कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि सीधे सीधे प्रियंका वाड्रा को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा किया कि उन्हें यूपी में राजनीति करने के बजाय कोटा जाकर पीड़ित माओं को सांत्वना देनी चाहिए। राजस्थान में कोटा के बाद बूंदी से भी ऐसी ही खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां के सरकारी अस्पताल में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और प्रशासन मामले को दबाने का काम कर रहा है। एक महीने में 10 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए हैं। शनिवार को लोकसभा स्पीकर और कोटा के सांसद ओम बिरला ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कोटा का जेके लोन अस्पताल खुद ही बीमार है। अस्पताल में आवश्यक और जीवन रक्षक श्रेणी में आने वाली कई नेबुलाइजर, वार्मर और वेंटिलेटर सहित 60% उपकरण काम ही नहीं कर रहे हैं। आईजी बस्तर सुंदर राज पी ने बताया कि नक्सल मामलों में 2017 से 2019 तक दर्ज किए गए आंकड़ों में तुलनात्मक रूप से नक्सल वारदातों में 40% कमी आई है। साथ ही सुरक्षा बलों की शहादत में 65% तथा नक्सल हिंसा में आम नागरिकों की मौत में 45% कमी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने नक्सल विरोधी रणनीति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा आम जनता को विश्वास में लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं नक्सलियों के आधार क्षेत्र में नए कैंप व थाने खोले जाने से सुरक्षा बलों की पहुंच अंदरूनी क्षेत्र तक बढ़ गई है। उन्होंने एक वर्ष में पुलिस द्वारा विकास कार्यों पर जोर देने की बात कही। विभिन्न जिलों में ऑपरेशन के दौरान डीबीसी, एसीएस, पीएलजीए, एलओएस, एलजीएस व मिलिट्री रैंक के 430 पुरुष व 45 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुठभेड़ों में 47 पुरुष व 18 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए। टोटल 23 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है। इस समय पड़े बताए तो उसमें फोर्सेस के कैशुअलिटी 0 के सुकमा जिला में 23 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है और वेपन रिकवर में भी सुकमा जिला में हिंसा साइकिल और रेलवे स्टेट का अच्छा क्रिमिनल वेपन्स भी रिकवर की गई है। से मुठभेड़ के दौरान बीते वर्ष ऑटोमेटिक समेत 128 हथियार जब्त किए गए। आईजी बस्तर सुंदर राज पी ने बताया कि बीते वर्ष दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रमन्ना की बीमारी से मौत के बाद नक्सल संगठन काफी कमजोर हुआ है। रमन्ना के विकल्प के रूप में अब तक किसी नेता का चयन नहीं किया जा सका है। यह भी जानकारी मिल रही है कि शीर्ष नेतृत्व स्थानीय नक्सली नेताओं पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए तेलुगु भाषी व्यक्ति को ही यह जिम्मेदारी दिए जाने की आशंका है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश भर में अवैध रेत खनन के खिलाफ मुहिम चला रखी है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में पहुंचे बाबा ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार के 5 साल पूरे होने तक प्रदेश भर में अवैध खनन बंद कर देंगे। कोई माफिया एक तसला रेत अवैध रूप से नहीं निकाल पाएगा। गौरतलब है कि कंप्यूटर बाबा प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन करने के बाद अब पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अवैध खनन माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं। अवैध खनन को लेकर कंप्यूटर बाबा की पहले भी खनन मंत्री के साथ जमकर कहा सुनी हुई थी। खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बाबा को बाबागिरी तक सीमित रहने की नसीहत दे डाली थी। नरसिंहपुर जिले में हम तहसील गाडरवारा में, यहाँ नर्मदा को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए हम लोग पूरी पहल कर रहे हैं। जैसे हमारी कमलनाथ सरकार की मंशा है कि नर्मदा नदियाँ कल कल बहें, स्वच्छ साफ रहें और गंदगी ना हो, उसके तहत आज हम गाडरवारा, हमारे साथ में SDM, तहसीलदार, SDOP, TI, सभी समस्त अधिकारी और हमारे माइनिंग अधिकारी सब मिलकर के आज हम लोगों ने बहुत जगह हमारी नर्मदा को नुकसान पहुंचाने वालों को देखा। बहुत जगह जानकारी मिल रही थी कि मशीन चल रही हैं, पर उन्हें जानकारी मिल गई, कुछ लोग तो चले गए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत कम कर देंगे और लगभग जब कमलनाथ सरकार के 5वें साल चलेंगे तो एक तगाड़ी भी रेत
अवैध तरीके से नहीं निकलेगी। कंप्यूटर बाबा गाडरवारा की आसपास की खदानों में भी गए और खदानों की स्थिति का जायजा लिया। बाबा के पीछे पीछे पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहा। फरवरी 2019 में विधानसभा में पेश रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद माना था कि 2009 से 2015 तक राज्य में 42,152 अवैध खनन से जुड़े मामले दर्ज कराए गए, लेकिन किसी में कड़ी कार्रवाई होने की बात सामने नहीं आई। अब देखना यह है कि बाबा के लगातार रेत खदानों पर अचानक पहुंचने से अवैध रेत खनन कितना रुकता है और बाबा का दावा कितना सही साबित हो पाता है। टीकमगढ़ में बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस देश में नागरिकता कानून को लेकर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस देश में आग लगाने का कार्य कर रही है। छतरपुर बुंदेलखंड प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक उमेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने गांधी जी का अपमान किया है। उन्होंने कहा इस कानून से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण जो लोग भारत आए थे उनको भारत की नागरिकता मिल सकेगी। ऐसे सभी लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश कर चुके हैं, पहले यह प्रावधान 11 वर्षों तक का था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसकी अवधि 5 वर्ष कर दी है। संशोधन बिल के संबंध में पत्रकार वार्ता यहां पर आयोजित की थी और नागरिक संशोधन बिल में जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है, जो हमने आपको पूर्व भी बताया है, वो किसी धर्म या किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। जहां तक मुस्लिम समाज में जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है वो पूरी तरीके से गलत है। ये मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, ये वास्तव में जो वो पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो चाहे अन्य मुस्लिम कंट्रीज में हो, जहां पर हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग, पारसी समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, जो अल्पसंख्यक है, जो उनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोग जो 2014 में के पूर्व हिंदुस्तान में आए थे, उनको नागरिकता दिलाने का काम भारत सरकार कर रही है। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। ये काम तो 50 साल पहले हो जाना चाहिए। आजादी के समय पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी, जो अब 3.7% रह गई है। उसी प्रकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति 22% थी, जो अब 7.8% रह गई है। इसके विपरीत भारत में मुसलमानों की संख्या 9.8% थी, जो बढ़कर 14% हो गई है। उन्होंने बताया इस नए कानून के तहत जो भी अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी बाहर हैं, उनको भारत में नागरिकता मिल सकेगी। दंतेवाड़ा में दिव्यांग बालक मड्डा राम के क्रिकेट खेलने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को जब सचिन तेंदुलकर ने देखा तो वे इसकी लगन से प्रभावित हो गए। सचिन ने इस वीडियो का ट्वीट किया तो रातों रात नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा का दिव्यांग बालक हीरो बन गया। इस दिव्यांग बालक का नाम मड्डा राम है। दंतेवाड़ा के कट्टे कल्याण इलाके में रहने वाला यह बच्चा पोलियो से ग्रसित है, जिसकी वजह से यह चल नहीं सकता। इसके बावजूद यह एक बेहतरीन क्रिकेटर है। अपने हाथों और शरीर के नीचे हिस्से की मदद से यह दौड़कर रन भी लेता है। इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल हो रहा था। सचिन ने अपने ट्वीट में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मड्डा राम का दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का प्रेरणादायक वीडियो के साथ अपने 2020 की शुरुआत करें। इस वीडियो ने मुझे गर्मजोशी से भर दिया है और मुझे आशा है आपको भी यह गर्मजोशी से भर देगा। बताया जा रहा है कि मड्डा राम कक्षा 7वीं में पढ़ता है और इसे क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। सचिन के द्वारा इस वीडियो को पोस्ट किए जाने के बाद मड्डा राम बेहद खुश है और आगे चलकर कुछ ऐसा ही करना चाहता है जिससे दुनिया उसका हुनर पहचान सके। छतरपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। जिले के दर्जनों गांवों में ओले गिरने से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। बिजावर विकासखंड के दर्जनों गांव के किसानों की फसल के साथ पान की फसल बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात 10 बजे के बाद बरसात शुरू हुई और थोड़ी देर बाद ओले पड़ने शुरू हो गए, जिसमें पिपट पनागर में पान की फसल को क्षति पहुंची। वहीं सटई में भी ओले पड़े, जहां फसलों को नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। नुकसान की भरपाई के लिए 2 दिन बाद सर्वे कराने की बात
कही गई है। एक्चुअली मेरा आपको मैसेज आया था कि सटई में जब से ओलावृष्टि हुई तो आज सुबह 9 बजे मैंने नायब तहसीलदार और हल्का पटवारी के साथ गांव के प्रभावित लोगों के साथ मौका था। सटाई में एक करिया नाला है, वहां पे लगभग 300 मीटर के बेल्ट में जो सब्जी वगैरह की फसलें हैं और सरसों वगैरह की फसलें हैं, इनमें नुकसान देखा है और कुछ खेतों में पानी भी भरा हुआ है, इसलिए प्रारंभिक तौर पर तो नहीं बताया जा सकता। उसके बाद पिपट और पनागर में पान की फसलों के नुकसान को भी देखा है, वहाँ पे अभी मामूली क्षति हुई है। जब मौसम खुल जाएगा 2-3 दिन के बाद हम विस्तृत सर्वेक्षण करवाएंगे टीम बना करके, तब क्षति का वास्तविक प्रतिवेदन हम प्रस्तुत कर सकेंगे। नीति आयोग की रैंकिंग में पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर था, इस बार 6 अंक फिसल कर 21 पर आ गया है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा की स्थिति यहाँ ठीक है, लेकिन बाकी पड़ोसी राज्य नीचे हैं। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी के मामले में राज्य की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है, राज्य 21वें से 15वें स्थान पर आ गया है। इसके बावजूद इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। स्वास्थ्य के मामले में बीते वर्ष की तुलना में राज्य को 10 अंक अधिक मिले हैं, लेकिन रैंकिंग 21वें स्थान पर ही बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में एक स्थान से सुधार के साथ राज्य 19वें से 18वें स्थान पर आ गया है। इसके विपरीत लिंग अनुपात के मामले में राज्य 3रे से फिसलकर 7वें स्थान पर चला गया है। अधोसंरचना विकास के मामले में भी 21 से 22 स्थान पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, असमानता में कमी और सतत उपभोग और उत्पादन में सुधार की जरूरत बताई गई है। इस सूची में मध्य प्रदेश और उड़ीसा 15वें, झारखंड 26वें, उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विकास लक्ष्यों को लेकर जारी सूचांक पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, इस बात को विकास लक्ष्यों में प्रदेश के 21वें नंबर पर आना साबित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नियत और नीति सही नहीं है, यही कारण है कि प्रदेश का विकास थमा हुआ है। प्रदेश विकास क्रम में लगातार पिछड़ रहा है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन ने CMHO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जिसका काम शहर में चल रहे नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग होम में स्वास्थ्य सेवाओं में कमियां ढूंढना है। इन कमियों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने एक पखवाड़े के भीतर करीब 20 नर्सिंग होम के लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड किए, वहीं 35 नर्सिंग कॉलेज को विभिन्न कमियों के चलते नोटिस थमा दिया है। CMHO का कहना है कि समय समय पर नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग होम की जांच की जाएगी और मरीजों की सेवा में कमी पर उनके संचालकों पर नकेल भी कसी जाएगी। इस कार्रवाई का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। प्रशासन ने कुछ नर्सिंग होम के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, जबकि कुछ को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं नर्सिंग कॉलेज भी नियमों के विपरीत चलने और पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के चलते नोटिस के निशाने पर आ गए हैं। देखिए, स्वास्थ्य संस्थाओं पे जो भी हम यहाँ से लाइसेंस जारी करते हैं, पंजीकरण जारी करते हैं, तो उसमें उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं को उचित गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए बनाए रखें। और जहाँ भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि उनके द्वारा व्यवस्थाएं ठीक से नहीं चलाई जा रही हैं, तो हम उसकी जाँच कराते हैं और अनुपयुक्त पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो कल हमने 7 ऐसे बड़े संस्थानों पर कार्रवाई करी है जिन्होंने हमसे पंजीयन कराया था अस्पताल के लिए, पर वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में स्टाफ भी मौजूद नहीं था और अस्पताल सुचारू रूप से चलाए जाने लायक व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए हमने उनको 30 दिन के लिए समय दिया है कि अपनी व्यवस्थाएँ सुधार लें, और व्यवस्थाएँ सुधार लें तो फिर हम उसको आगे कार्रवाई करेंगे। रेत से भरे डंपर और बस में भिड़ंत हुई। बस स्कूली बच्चों को पचमढ़ी ले जा रही थी। यह बच्चे कराटे टूर्नामेंट खेलने पचमढ़ी जा रहे थे। बुधनी TI संध्या मिश्रा ने बताया कि बस MP04PA2881 मिडघाट पर एक डंपर में जा घुसी। बस में बागमुगलिया स्थित सिहान मार्शल आर्ट क्लब के 22 खिलाड़ी, उनके परिजन और कोच सवार थे। ब्रेक फेल होने से बस सामने से आ रहे डंपर में जा घुसी। हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया। एक व्यक्ति के कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ है, उसे ICU में भर्ती किया गया है, बाकी का मामूली चोटें आई हैं। होशंगाबाद के अस्पतालों में भर्ती घायल में शुभम वर्मा, पंकज पांडे, आशु ध्रुव नारायण, रितिका कुशवाहा, प्रथा सेन, विजय राणा, दिव्या सिंह, तेजस सिंह, कुलदीप राजपूत, दीपक प्रजापति, राजवीर सिंह, सोनिया माहेश्वरी, डॉक्टर नीलिमा सोनी, अवधिका
संस्कृति महेश्वरी, जोया, दिव्यांश सिंह, शुभम सिंह, साही यादव, रौनक, रेहान, खोश हैं। सिटी कोतवाली की ताज कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर नसीम खान से रंजिश के चलते बदमाश महफूज मंसूरी और बंटी उर्फ रफीक ने एक बार नहीं बल्कि दो बार फायर कर जानलेवा हमला किया। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर नसीम खान 11 दिसंबर को शाम के वक्त जेल रोड से जा रहा था, तभी दोनों बदमाशों ने फायर कर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। जब ये बदमाश नसीम खान को मारने में असफल रहे तो उन्होंने 13 दिसंबर को उसके घर जाकर फायर किया, लेकिन इस बार भी गोली प्रॉपर्टी डीलर को लगने के बजाय उसके घर पर खड़ी कार में लगी। वाली में हम लोगों ने जो आरोपी पकड़े हैं जिनका जुलूस नहीं है, इनको लेके जा रहे हैं चूंकि वाहन उपलब्ध ना होने से। तो ये अज्ञात हमलावर थे दो, जिन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर गोली, इनको जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी, जिस पर थाना में 307 का अपराध कायम किया गया था। तो इनकी लगातार तलाश और श्रीमान DIG महोदय, SP महोदय, CSP महोदय द्वारा लगातार निर्देशन में तलाश जारी थी। जो हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अज्ञात हमलावर दो हैं जिन्होंने इस प्रकार की घटना को पूर्व में भी अंजाम दिया है, जिनकी सूचना पर इन दोनों को दस्तयाब किया गया। पहले का नाम है महफूज और दूसरे का नाम है बंटी और रफीक। ये दोनों आरोपियों से हमने जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वो ये 300 बोर का दो कट्टे, दो जिंदा कारतूस व खाली खोखे जो इनने घटना घटित की थी प्रॉपर्टी डीलर के साथ। जेल रोड पर एक बार हवाई फायर किया था और ताज कॉलोनी में उनका घर है नसीम खान, उन पर हमला किया था जान से मारने। इनके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं थाना में, जो कि हम संयुक्त कर रहे हैं और डिटेल इसको न्यायालय में पेश करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर नसीम खान की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया और पड़ताल के बाद दोनों की गिरफ्तारी कर वारदात में प्रयुक्त बाइक, देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके बाद दोनों बदमाशों का कोतवाली से पैदल जुलूस निकालकर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां से मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें बाद में न्यायालय भेज दिया गया। न्यायालय के आदेश पर दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। लैंड रिकॉर्ड के बाबू संजय भागवानी अपनी पत्नी और बच्चों को फिल्म दिखाने ले गए थे। रात को फिल्म दिखाने के बाद उन्हें नए घर पर छोड़ा, फिर खुद अपने स्कूटर से पुराने घर के लिए निकले। इसके करीब एक घंटे बाद उनका शव सड़क पर पड़ा मिला। दरअसल पिछले साल जब उनके घर लोकायुक्त का छापा पड़ा तो वह सुर्खियों में आए थे, इसके बाद से सस्पेंड चल रहे थे। सिरौल पुलिस ने आनन फानन में संजय भगनानी को अस्पताल भिजवाया, लेकिन उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। उनके सिर और मुंह से गंभीर चोटें लगी थी। पुलिस ने इस मामले में सड़क हादसे की आशंका जताई है। इसके लिए आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ये एक 304A डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस के केस में हमने कायमी करी है सिरौल थाना में। संजय भगवानी जी जो लैंड रिकॉर्ड्स के बाबू थे, उनकी डेथ हो गई, तो अभी घटना में जांच कर रही है पुलिस। रिपोर्ट से ये मिला है कि उनका जो बॉडी का कवर है वो पूरा एक तरफ से क्षतिग्रस्त है, पेंट और अन्य कॉन्टैक्ट एनालिसिस से आगे की जांच की जा रही है। संजय भागवानी के घर करीब 2.5 साल पहले चोरी हुई थी। उन्होंने पड़ाव थाने में 4.5 लाख रुपए चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन जब चोर पकड़ा गया तो उसने 4 करोड़ रुपए चोरी करने की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद से भगनानी लोकायुक्त पुलिस के टारगेट पर आए थे। 2 अगस्त 2019 को लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के शक में घर में छापा मारा था। इस मामले की जांच अभी लोकायुक्त में चल रही है, इसके बाद ही वे सस्पेंड हो गए थे। सस्पेंड होने के बाद से यह तनाव में ही थे। दंतेवाड़ा में वन विभाग ने वन्य जीवों की खाल की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये तस्कर बाइक से 4 तेंदुए की खाल तस्करी करने जा रहे थे। इनकी संख्या 7 में थी और ये बाइक से तस्करी करते थे। घटना दंतेवाड़ा जिले के गीदम वन परिक्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक गीदम रोड से बीजापुर की तरफ 7 लोग 4 बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी गीदम वन परिक्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें पकड़ा। बाइक और सभी लोगों की तलाशी लेने पर इनके पास से 4 तेंदुओं की खाल बरामद हुई। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ वन प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच और पूछताछ के बाद अभी मामले में और भी खुलासों की संभावना है। केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के निर्देश पर सिंगरौली में CAA को लेकर जन जागरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत शहर के नवजीवन बिहार, बिलौंजी, माजन मोड़,
सहित कई स्थानों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और व्यापारियों एवं आम जनता से नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में अपील की गई। बीजेपी ने लोगों को कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के कुचक्रवाद दुष्प्रचार से दूर रहने की समझाइश दी। बीजेपी ने आम जनता के साथ नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विचार विमर्श किया और जनता की राय ली। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर सीएए के बारे में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सांसद रीति पाठक, विधायक रामलल्लू वैश्य, देवसर विधायक सुभाष वर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं इस बात का बहुत साफ जानकारी देना चाहती हूँ कि अधिनियम नागरिकता प्रदान करने का अधिनियम है, ना कि नागरिकता छीनने का। इस देश का मुस्लिम वर्ग जो इस देश में था वो इस देश का नागरिक था, नागरिक है और नागरिक रहेगा। इसलिए किसी भी तरह से हमारे विशेष समुदाय के लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस बात की सुविधा करने की आवश्यकता। संत हिरदाराम नगर में पत्रकार संघ एवं पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जान है तो जहान है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल एडिशनल एसपी दिनेश कौशल, विशेष अतिथि एसडीओपी दीपक नायक, संत हिरदाराम नगर पत्रकार संघ संस्थापक ब्रिजेश शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस द्वारा लॉन्च पुलिस आईपी ऐप का विमोचन किया गया। एडिशनल एसपी दिनेश कौशल ने पुलिस ऐप के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐप से जुड़ने से शहर में हो रहे अपराधों पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही अपराधी जल्द पुलिस के शिकंजे में आ जाएंगे। इस दौरान थाना प्रभारी ने ट्रैफिक नियमों के पालन करने के पुलिस का सहयोग करने की अपील की। संत हृदयराम पत्रकार संघ के द्वारा आज बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसमें भोपाल आई के तहत 200 कैमरों को भी जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा 1000 कैमरे का और लगा था। हमारा आपके माध्यम से कहा यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाएं और भोपाल आई से कनेक्ट करें, इसके माध्यम से लोग देख सकते हैं। आज के समय जो तीसरी आग कहा जाता है वो सीसीटीवी कैमरा को कहा जाता है, क्योंकि कभी भी कोई घटना होगी यदि सीसीटीवी में कवर हो जाती है तो फिर उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं सीसीटीवी कैमरे के थ्रू पकड़ी गई हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय हैं कमल जी और इनकी टीम सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अशोकनगर में नगर प्रशासन ने अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय और स्वामी मैरिज गार्डन को सील कर दिया है। मैरिज गार्डन के मालिकों के द्वारा किसी प्रकार की अनुमति और एनओसी के कागज न दिखाने पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन को दोनों ही मैरिज गार्डन पर कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले और बिना दस्तावेज के ये मैरिज गार्डन सालों से चलाए जा रहे हैं। एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने एक कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाई शहर के अन्य मैरिज गार्डन पर भी की जाएगी। अपने एक दिवसीय प्रवास पर जिले के देवास तहसील पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक कार्यक्रम में हजारों ग्रामीणों को कंबल वितरित किए। इस कार्यक्रम में हिंडाल्को के सीईओ रतन सोमानी, यशवंत कुमार, हिंडाल्को के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम हिंडाल्को महान परियोजना बरगवा द्वारा आयोजित किया गया था। कमलेश्वर पटेल ने कंपनियों को निर्देश दिया कि कंपनियां अपने सीएसआर एक्टिविटी का उपयोग गरीब ग्रामीणों के कल्याण के लिए करें। पटेल ने कहा कि कंपनियों के सीएसआर मद के उपयोग की देखभाल करने के लिए प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर समिति भी गठित की है, जिसके तहत जिले के कलेक्टर इस मद की राशि के उपयोग की देखरेख करेंगे। यदि इस सीएसआर राशि का दुरुपयोग होता है तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सीएसआर मद जो है ये इसी के लिए है, जन कल्याणकारी योजना में डेवलपमेंट्स भी आते हैं और साथ साथ इस तरह के समयानुसार क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए। हिंडाल्को महान परियोजना की तरफ से जिस तरह से ये आयोजन हुआ है, जिले के जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं उनको भी करना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
देख रहे हैं दखल न्यूज़।